ये लिखा हुआ है क्यू प्लस टू एस लिखा हुआ है, क्यू प्लस टू एस लिखा हुआ है, तो एस और क्यू, ठीक है, तो ये क्यू है और ये एस है, यहां भी 2:1 के में है, ये चमका गया। तो इससे हम बोल हाँ सकते हैं सर, ना कि जो पी आर है वो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है और वो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और ये क्लियर है क्या? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ए बी सी आर नॉन को नॉन जीरो, नो टू विच ऑफ द नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, देखो ना, ए प्लस बी इज कोलिनियर विथ सी, मतलब ए प्लस बी जो है वो एक्स टाइम सी है, बी प्लस सी इज वाई टाइम्स ए, ठीक है। तो इस वाले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ? मैं नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर ना, मैं काम करता हूं इस पूरे सिस्टम में ए को गायब कर देता हूं, अगर ए को गायब करूं या सी को गायब करूं, जो गायब करना है करो, या सीधा जोड़ दे क्या इसको? हाँ, क्या पूछा क्या है? ए प्लस बी इज कोलिनियर विथ सी एंड बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए, तो फाइन एक काम करते हैं ना, इसमें वो निकालते हैं, बी को रिप्लेस करते हैं, तो ए प्लस वाई ए माइनस सी इज इक्वल टू एक्स सी। अरे बात चमकती है, तो क्या लिखा है? ए के साथ 1 प्लस वाई माइनस सी के साथ क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, क्या दिया हुआ है? ए और सी नॉन कोलिनियर है, ए और सी नॉन कोलिनियर है, दैट मीन्स ए और सी कैसे है? एल आई है। अगर उनका लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो हुआ है वो तभी पॉसिबल होगा ना जब उनके कोएफिशिएंट जीरो होंगे, तो इसका मतलब 1 प्लस वाई जीरो है और 1 प्लस एक्स भी जीरो है, ये बात चमकती है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अभी इसको इसमें डाल दें अगर, तो क्या बन गया बोलो? b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, बोलो भाई कितना आ गया? जीरो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, तो नन ऑफ दी जाएगा आंसर। नेक्स्ट बोलो, ये मुझे क्यों चमका कि दो वेक्टर में चेंज करना है? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, इसका मतलब मुझे सिस्टम को किसी दो में कन्वर्ट करके एलाइनेस की ओर बढ़ना चाहिए। आगे बोलो। सर तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी नेक्स्ट बोलो। सर सिक्स्थ। क्या हुआ? सर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। अभी क्या सॉल्व किया? अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? सिक्स्थ सॉल्व किया है ना? सो रहे थे क्या बेटा क्लास में आप? नेक्स्ट बोलो। सेवेंथ, एट, सेट ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, ये तो मालूम है ना, तो थ्योरम लिखवाई थी, अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं सच दैट एक्स ए कोलिनियर दिया हुआ है, अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करती है ना, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कोलिनियर और ये भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये चीज जीरो होनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट बोलो। हो ना, होमवर्क किया था? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोगों से, एडवांस जुलाई में चला गया है,
मेंस मे में है, अच्छा वाला मेंस, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, लेकिन आप तो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। नाइन्थ और टेंथ हो गया, ठीक है यार, नहीं बोलना है, मैं क्या करूंगा यार, पागल हो जाऊंगा आपके बैच में, कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। चलो ठीक है, हाँ भाई मिसलेनियस में आ जाओ। मिसलेनियस से बोलो। सेवन। हाँ सेवन। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री में शायद किसी में कुछ आंसर आंसर में गड़बड़ होगा सर। फर्स्ट वाला आ रहा है। हाँ कुछ आंसर में गड़बड़ी है इसके, वन टू थ्री में से किसी एक में आंसर गलत है। ठीक है ठीक है, बोलो कौन सा करना है फिर। सर फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ओ ए बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और सी इस पे पॉइंट है, सच दैट ए बी इज ट्वाइस बी सी, मतलब ए बी बाई बी सी इज 2:1, मतलब कौन कहां हो गया, सी कहां होगा, मिड पॉइंट, सी विल बी द मिड पॉइंट, ए बी इज ट्वाइस बी सी ना भाई साहब। हाँ सर, हाँ सर, अरे ये क्लियर है क्या? यस। एक्सटर्नल क्यों नहीं हो सकता है यहां पर, सी क्यों नहीं हो सकता है? सर सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी है इसलिए। हाँ बट कई बार कैसा होता है ना, एडवांस एडवांस के एग्जाम में जब ए बी बोलते हैं तो पूरा ही कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है तुम कह रहे हो सही है, बट वही है कई बार एग्जाम में देख रहे हैं, इसको ध्यान दे लेना। मेरे हिसाब से ए बी का मतलब ए बी होना चाहिए। फाइन, तो ए बी इज ट्वाइस बी सी, तो क्लियर है ना, सी विल बी मिड पॉइंट, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू। सही है लिखा गलत लिखा है बताओ। ठीक है ना, तो ए सी निकाल लो, ए सी कितना आएगा, आ जाएगा ए सी। ये क्लियर है क्या? यस सर। मेरे ख्याल से इन्होंने जो आंसर मैच कराया है ना वो शायद उन्होंने एक्सटर्नल से कराया होगा। और ये बात क्लियर है क्या? हेलो, तो फिर एक्सटर्नल से कैसे आएगा ओसी? एक्सटर्नल से कराया होगा इन्होंने आंसर मैच। ओ ए सी बी है और ए बी इज टू बी सी, तो अगर ए बी इज टू बी सी, अगर 2:1 है, मतलब जो सी डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली कर रहा है 3:1 में। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये रेशियो मालूम चल गया 3:1 का, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 × b − 1 × a / 2। ये बात चमकती है। अभी आप निकालो ए सी वेक्टर, शायद आपका आंसर सही मैच हो जाएगा। अरे ये क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से जब ऐसा लिखा हुआ है तब मैं मिड पॉइंट ही दे दूं, क्वेश्चन शुड बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर सिक्स्थ में वो प्रूव वाला पार्ट, शो दैट वाला पार्ट। सर फिफ्थ का फोर्थ वाला भी बताओ ना। कौन सा? ER वेक्टर निकालना। ये सब कर रखा है यार, सब बनना चाहिए, अभी इतने दिन बाद भी नहीं बना, क्या पढ़ रहे हैं फिर। ओ ए बी है, इसको पकड़ लेते हैं अपन जीरो वेक्टर, इसको पकड़ लिए ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर में काम करो ना सीधा। ओ ए बी, अभी पी क्यू आर मिड पॉइंट है ओ ए का, तो ये आ गया ए बाई टू, ये पी है, Q किसका है, ए बी का, तो ए प्लस बी बाई टू, और बी ओ का आर है,
दिस विल बी b by 2. क्या निकालना है? ar वेक्टर, ar वेक्टर, ar वेक्टर क्या आ रहा है? b by 2 minus a वेक्टर, जो क्या होगा? ob वेक्टर by 2 minus oa वेक्टर. हो गया. नेक्स्ट बोलो. सिक्स्थ. सिक्स्थ में कौन सा पार्ट करना है सर? वो प्रूफ दैट वाला. ओ पी क्यू द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. तो ठीक है, इसको जीरो वेक्टर ले लो, इसको P ले लो, इसको A वेक्टर. B वेक्टर क्या है? A वेक्टर क्या है? आई थिंक वही होगा जो हमें लगता है, B और C होगा. ठीक है, जो मैं ले रहा हूं. सर OP2A दिया है और OP2B दिया है. कहां पे दिया है? शो दैट उसके नीचे. अच्छा अच्छा अच्छा, दिया हुआ है तो ठीक है ना. तो फिर इसको अपन 2A पकड़ लेते हैं और इसको अपन 2Q पकड़ लेते हैं. ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये? लेट एस सर OQ 2B लेंगे ना. हाँ ठीक है, क्या कह रहा है ये? SX बाई SQ. SQ Q क्या है? OPQ, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ OPQ आर S एंड OP का मिड पॉइंट S है, O Q का मिड पॉइंट R है. तो आई थिंक तुम लोग कोऑर्डिनेट्स नहीं यूज कर रहे हो ना, इसलिए नहीं बन रहा है. ये B है. ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? SQ और RP मीट एट X. ठीक है, SX by SQ M is to N है, RX by RP M is to 1 है, और ये वाला RX, RX by RP है? एक मिनट, मैंने गलत लिखा है क्या ये? सॉरी, SX by SQ, SX नहीं, सही तो लिखा है मैंने, SX. अच्छा हाँ भाई, SX by SQ है ना M, ये चमकता है. तो SX by SQ अगर M है तो SX by XQ कितना होगा? SX by XQ बताओ कितना होगा? अगर SX by SQ M है तो SX by XQ कितना होगा? Anybody? 1 upon 1 plus M. 1 upon 1 plus M? हाँ सर. M upon 1 minus M. M upon 1 minus M. भाई ये बोल रहा है ना कि SQ 1 है ना बॉस, इसने बोला SQ 1 है, ध्यान दो ना यार, SQ 1 है, SX M है. ठीक है, तो कितना होगा ये? M is to 1 minus M होगा ना यार, और ये वाला N is to 1 minus M N होगा. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. ठीक है, आप इसमें रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा दो, SQ minus SX, SQ minus SX minus SQ, SQ minus SX होता था ना अल्टरनेंडो डिविडेंडो कुछ, तो M by 1 minus M. और ये जो वैल्यू है वो तुम्हारी XQ है. तो क्या आ गया ये? M by 1 minus M. Similarly, RX by XP, N by 1 minus N. I hope इतना क्लियर है. ठीक है, तो अब X निकालना है, X का कोऑर्डिनेट. तो X का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. एक बार B, एक बार N को यूज करना है, एक बार B को यूज करना है. ठीक है, तो OX, X का कोऑर्डिनेट निकालो, कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ सेक्शन फॉर्मूला से? N into 2A plus 1 minus N into B vector by N plus 1 minus N. यही तुम्हारा है X का PV, और PV का मतलब क्या होता है? OX vector. तुम्हारा OX vector कितना आ गया? 2NA vector plus 1 minus N into B वेक्टर. ये बात चमकती है सर? मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझा, कैसा आया?
मतलब कैसे अप्लाई होगा? क्या नहीं समझा सेक्शन फॉर्मूला? कौन सा ये वाला पार्ट कह रहा है कि ये फॉर्मूला कह रहा है? सर ऊपर वाला फॉर्मूला क्या नहीं समझ में? बताओ सर, मतलब किसके बीच में आप ले रहे हो सेक्शन? मैं पीआर पे लिख रहा हूँ, पीआर पे। अच्छा, n into 2a वेक्टर प्लस 1 माइनस n into b वेक्टर, n into 2a वेक्टर प्लस 1 माइनस n into b वेक्टर बाय n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस n। ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझा। तो कितना आ रहा है ox? 2na आ रहा है। मेरा आंसर में क्या दिया हुआ है? v प्लस n ब्रैकेट 2a माइनस b। आंसर में तो a दिया हुआ है। किसी और का आ रहा है क्या ऐसे? जैसे मेरा आया है 2na, अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा? m into 2b प्लस 1 माइनस m into a। अच्छा उन्होंने कंबाइन कर दिया है, फिर कोई बात नहीं, समझ गया मैं। ठीक है, ये आ गया। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो पहले वाले से तुम्हारा ox कितना आ गया बताओ? b प्लस 2a माइनस b प्लस 2a, कोई नहीं बोलता यार, अजीब ही बैच चाहिए n, और मैं कुछ ही बोल दू क्या अंतर पड़ता है, तुम लोग को समझना ही नहीं है। ठीक है सर, a प्लस m ब्रैकेट 2b माइनस n, ये आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, अभी भाई x के बारे में कह रहा है कि रेशियो रेशियो बताओ। x डिवाइड्स sq एंड rp, मतलब m और n निकालना है ना, ये दोनों pv सेम पॉइंट का है ना, ये दोनों pv जो है सेम पॉइंट का है। अगर दोनों pv सेम पॉइंट का है तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी m into 2b minus a। ये बात समझ में आती है? तो b के साथ क्या आ रहा है बताओ? b और a और b जो है आपस में एलाई है ना, बिकॉज नॉन कोलिनियर है, a और b नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो b का कोएफिशिएंट कितना है? 1 प्लस 2m, और यहां पे कितना है b का कोएफिशिएंट कितना है इस साइड में? 1 माइनस n इज इक्वल टू 2m, और n का और a का कोएफिशिएंट कितना है? 2n इज इक्वल टू 1 माइनस m। ये चमकता है क्या? तो ला के n का वैल्यू डाल दो, 1 माइनस m बाई 2 इज इक्वल टू 2m, तो 2 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, ये प्लस हो गया, तो 1 प्लस m इज इक्वल टू 4m, तो m इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1/3, m इज इक्वल टू 1/3 आ गया, चमका गया। तो अगर इसमें डाल दोगे तो क्या आ रहा है? sx by sq इज इक्वल टू 1/3 बाई 2/3, तो sx by sq आ गया 1:2 का रेशियो। ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। एक मिनट सर, कॉपी करना है। सर नेक्स्ट डेट करो सर। इसके अंदर तो लेकिन 2a और 2b एलाई है ना, तो हमने हाँ। अरे भाई अगर 2a और 2b एलाई है तो a और b भी तो एलाई है ना बॉस। अगर 2a और 2b नॉन कोलिनियर है तो a और b भी तो नॉन कोलिनियर होगा ना। हाँ सर। हाँ सर हो गया। तो 7 थोड़ा मजाक नहीं लग रहा है क्या? मतलब पूरा करने के बाद वापस से 7th 8th से मतलब ठीक है, कोई 8th पूछ देना, कोई 9th पूछ, ऐसा नहीं होगा यार। मतलब तो इसके पहले क्या सॉल्व कर रहे थे?
डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओह ए बी सी डी, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल मीट एट ई. गिवन ए बी इज ए एंड बी सी इज बी. गिवन ए बी इज ए एंड बी सी इज बी. तो बी सी बी है ना बॉस, बी सी बी है. तो मैं इसको जीरो वेक्टर पकड़ लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर. ये बात चमकती है. और ए बी कितना है, ए है ना. तो इसका ए बी अगर ए है, अगर ए बी ए है तो ए का पीवी क्या आ जाएगा, माइनस ए. ये बात चमकती है क्या. हाँ सर. नाउ ई इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच ऑफ, E is the point of trisection of each of AC and BD nearer to A as well as B. So point of trisection मतलब 1:2. Point of trisection मतलब 1:2. ठीक है. अभी हमको निकालना है BE और DC. क्या निकालना है अपन को, BE और DC. अरे बात चमकती है सर, अब हो जाएगा सर, समझ गया. ठीक है, ई निकाल लो और ई से फिर डी निकल जाएगा. नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट बाफना हो गया क्वेश्चन 15 तक. तो 12th वाला डाउट है. कौन सा, रुको. ठीक है, 8th 9th. सर 8th में खाली आप मेरे को आर का पोजीशन वेक्टर निकाल के दे दो ना. आप तो 10-15 मिनट ट्राई करते हो, ग्रुप पे कोई डिस्कस नहीं करता. ऐसे सब दिखाते हैं कि हमको सब आता है. ग्रुप पे डिस्कस करने को 50 बार बोला मैंने यार. Point E is a point of trisection of a straight line PQ. PQ. PE. 1:2. Also, R is any point not on PQ. And F divides QR internally. F divides QR. Q कहाँ पे है? F divides QR internally such that QF is to FR is 2:1. ठीक है. Show that EF is parallel to PR. तो होगा ही. वो तो थेल्स थ्योरम से साफ साफ दिख रहा है. अगर मैं ज्वाइन कर दू ट्राइंगल बन जाएगा. ये साफ साफ दिख रहा है, रेशियो सेम है. तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगी पैरेलल होती है. एनीवेज फॉर सॉल्विंग, जीरो लिया, पी लिया, आर लिया. चमकता है क्या. तो ई वेक्टर अच्छा, क्या होगा 2p/3. ठीक है सर, वो एफ वेक्टर क्या होगा. वो मैंने क्यू को ओरिजिन नहीं लिया, मैंने क्यू को क्यू ले लिया. 2/3 p-r पैरेलल टू पी माइनस आर. नेक्स्ट 9. जानते हो आप लोग की मिस्टेक क्या है, आप लोग मेहनत नहीं करते हो, कोई लेक्चर वापस नहीं सुनता है. ओ ए बी, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए. बताओ इसमें डाउट क्या है. तो वो फर्स्ट वाला तो आ गया, फिर वो सेकंड वाला जो है ना, इफ ए क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए पी और ओ क्यू इज इक्वल टू म्यू बी, वो वाला नहीं.
ओबी ओ एम इज टू एम बी रेशियो है टू इज टू वन तो टू बी बाई थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन यार पी इज द मिड बस लिखना होता है इन क्वेश्चन में यार मतलब पी इज द मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका ए बाई टू प्लस टू बी बाई थ्री बाई हाफ ये हो जाएगा पी का पॉइंट लाइन ए पी इज प्रोड्यूस्ड टू मीट ओ बी एट क्यू गिवन ओ ए इज ए एंड ओ बी हर दिए फाइंड द टर्म्स अब बताओ इसमें क्या ओपी निकालना है तो ओपी वेक्टर तो निकल ही गया ना सीधा ही भाई ओपी वेक्टर कितना आ गया मैंने तो निकाल लिया साथ साथ ना 3a प्लस 4b बाई 12 बाई 12 ये बात चमकती है एपी वेक्टर क्या होगा एपी वेक्टर क्या होगा 3a प्लस 4b पीवी माइनस करते हैं दोनों का पी का पीवी माइनस ए का पीवी भाई कोई कुछ नहीं बोलता इस मैच में 12a माइनस 9a बाई 12 मैं बोर्ड पे गलत सॉल्व कर रहा हूँ सही सॉल्व कर रहा हूँ किसी को कोई आंसर नहीं पड़ता आंसर सही है गलत है ठीक है भाई अरे इतना क्लियर है हाँ सर ठीक है आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन इफ ए क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एपी तो निकालना है लैम्डा क्या दिक्कत है इफ एपी इज हाँ तो निकाल लो ना भाई एक मिनट एपी और क्या निकाला है मैंने ये ओपी है ना हाँ एपी आ गया तुमको दिक्कत क्या है कुछ समझ में नहीं आता है क्या एक बार में ए क्यू कितना होगा टू बी बाई थ्री माइनस ए अरे हद है यार टू बी माइनस थ्री ए बाई थ्री तुम्हें क्या निकालना है ए क्यू बाई एपी का रेशियो पूछा है तुमसे ए क्यू बाई एपी का रेशियो को बोला है लैम्डा तो AQ का लेंथ कितना आएगा बॉस 2b माइनस 3 है थोड़ा तो सोचो बॉस थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई 3 और इसका लेंथ कितना आएगा AP का अगर मैं इसमें से 2 बार अगर इसमें से कुछ गलती है क्या इसमें मेरे में दोनों कोलिनियर कैसे नहीं आए हैं बारह ए नौ ए चार बी अरे मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन गलती की है बताओ जरा क्रिस बाफ ने क्या गलती करी है मैंने कैलकुलेशन में सर क्यू का कोऑर्डिनेट्स 2b / 3 नहीं है कितना होगा क्यू का बताओ ओ एम बाई एम बी 2:1 दिया हुआ है ओ एम बाई एम बी 2:1 दिया हुआ है तो सही तो लिखा है मैंने क्रिश बता सर लेकिन वो तो आपने ए क्यू के अंदर हम लोग को क्यू का पोजीशन वेक्टर लेना है तो आपने तो एम का पोजीशन वेक्टर ले लिया अच्छा हाँ मुझे क्या निकालना है मुझे ए क्यू निकालना है ना हाँ सर तो ए क्यू निकालने के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लाइन लिख के अरे यार लाइन लिखनी पड़ेगी ना मुझे फिर तो फिर OQ लाइन क्या है OQ मतलब OB लाइन लिखनी पड़ेगी ना OB लाइन कितनी है R वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर है ना और AP लाइन लिखनी पड़ेगी मतलब AQ लाइन वो क्या होगी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस न्यू इनटू 4B माइनस 9A बाय 12 अरे ये चमकता है हाँ सर दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा हाँ सर क्यू मिल जाएगा हाँ सर फिर हो जाएगा क्यू मिल जाएगा ना और जो ऊपर बताया था वैसे एपी इज टू एक्यू निकाल लो लंबे क्वेश्चन से खुद से करना है इसमें सोच सोच के यार नेक्स्ट बोलो सर मेरा 10th में आंसर रॉन्ग मैच नहीं कर रहा है पी जेड का बाकी लोग कंफर्म करें सर मैच कर रहा है
मैच कर रहा है क्या? सब लोग बताओ, क्रिस वाफना है क्या क्लास में आज? सर मैच कर रहा है? सर कर रहा है। हाँ हाँ सर कर रहा है। ये बात अपनी कैलकुलेशन चेक कर ले जिसने ये पूछा है, नहीं तो फिर क्लास के बाद अगर किसी का मन करे डाल देना ग्रुप पे सॉल्यूशन। यार आप लोग आपस में पीयर टू पीयर डिस्कशन नहीं करते, गलती इसी बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट पीयर टू पीयर डिस्कशन होता है आईआईटी जाने के लिए। नेक्स्ट बोलो सर। 11th में ए का जो पॉइंट है वो पीछे आंसर उसमें पी प्लस क्यू प्लस टू ए का हाफ दिया है, तो वो पी प्लस क्यू प्लस ए ही नहीं होना चाहिए, खाली टू ए की वन। भाई यहाँ पे ओरिजिन वेक्टर बता रखा है कहीं और पे? हाँ पता। हाँ तो फिर तुम ओरिजिन के वेक्टर के रिस्पेक्ट बीसीडी सही आया है ये खाली। एक मिनट रुको, ए बी सी डी ठीक है, इसका डायगोनल तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे? ई पे कर रहा है, ठीक है? अब ध्यान देना, पॉइसन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन, ओ ओरिजिन कहीं यहाँ पे है, इसका पी वी ए दिया हुआ है, ठीक है? अब ए बी वेक्टर पी दिया हुआ है, ध्यान दो, ए बी वेक्टर पी दिया हुआ है, ठीक है? तो ए बी वेक्टर क्या होता है? पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। ये बात चमकती है? हाँ सर ये सब आ गया है। तो आने तो देखते हैं, तुम कोऑर्डिनेट गलत लिखे इसलिए फर्स्ट हो ना। पीवी ऑफ बी निकालना है तो पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। पीवी ऑफ ए कितना है तुम्हारा? ए है ना, तो तुम्हारा पीवी ऑफ बी कितना आएगा? पीवी ऑफ बी पॉइंट कितना आ गया बोलो? पी प्लस ए आया, तो बी का पी पोजिशन वेक्टर कितना आया? पी प्लस ए। ये बात समझ में आती है? मेरे पास बी सी क्यू दिया हुआ है, बीसी क्यू दिया हुआ है। बीसी क्या होता है? पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ बी, ठीक है? बीसी क्यू दिया हुआ है तो क्यू प्लस पीवी ऑफ बी प्लस ए, बी प्लस ए। इसका पीवी कितना आया? क्यू प्लस बी प्लस ए। ये बात चमकती है? हाँ अब क्या बोला? डी का भी ढूंढ। हाँ डी का ढूंढ लूंगा मैं, तो डी तो मैं ऐड करूं, निकालना कि तुम्हारा किसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। ए, ए, ए का मैच नहीं कर रहा। E का मैच नहीं कर रहा। E का पीवी क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई टू, तो Q प्लस बी प्लस ए बाई टू। मिड पॉइंट होगा ना डायगोनल, तो अच्छा, कितना आ गया? ठीक है, Q प्लस बी बाई टू प्लस ए आ गया। हाँ सर ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो। ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल, पोजिशन वेक्टर सबका दे दिया इस बार, ए का ए बी का बी सी का सी, और हम फंसेंगे अब इससे क्योंकि हमको अलग अलग नहीं मालूम चलेगा। अब P is a point on side BC such that, अब हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे कि A B C L I L I है कि नहीं है ज्यादा अच्छे से। P is a point on side BC such that BP is to PC. P is a क्या बोल रहे? P is a point on side BC such that BP is to PC is 2:3. 2:3. Q is a point on CA such that CQ is to QA is 1:4. ठीक है। Find the Poisson vector of the common point R of AP and BQ. AP and BQ. Also find the ratio, मतलब ये R निकालना है। Also find the ratio in which CR divides AB. Discuss करते हैं अच्छे से। क्रिश वाफना जरा बताना। सर मेरा ये डाउट है।
इसमें डाउट क्या है बताओ? लाइन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ना? सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आएगी। सो फर्स्ट पार्ट हो गया बताओ ऐसे किया फर्स्ट पार्ट सो एपी और फर्स्ट पार्ट नहीं सर नहीं हो पाएगा। एपी और बीक्यू सॉल्व कैसे करता है? बस वेक्टर्स कहां एलाई है? दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हारे पास वेक्टर्स एलाई नहीं है ना इस बार। तुम एक्यू लाइन, तुम बीक्यू लाइन और एपी लाइन लिख के सॉल्व कैसे करोगे? किन वेक्टर्स को एलाई यूज करोगे? नहीं समझा? हाँ सर मैंने वैसा कर दिया, पर वही आंसर मैच हो गया उससे। आंसर मैच हो गया बट वही है ना, थोड़ा सोचो, थोड़ा ओरिजिन शिफ्टिंग से ध्यान ला सकते हो क्या? प्रॉब्लम क्या है क्रिश इसमें कि हमारे पास एलआई वेक्टर्स नहीं है, है ना? हाँ सर। तो एलआई बना दे, इसको जीरो ले ले, नया सिस्टम बनाते हैं, नया सिस्टम। तो ये वेक्टर क्या होगा बताओ? बी माइनस ए, और ये क्या होगा? अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो कैसे? ओरिजिन शिफ्ट कर दिया ए पे, जो ए वेक्टर था ना मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ही ओरिजिन मान लिया। तो अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा नए सिस्टम में? अगर इस पे ओरिजिन शिफ्ट किया है मतलब हर कोऑर्डिनेट में से ए वेक्टर हटा रहे हैं ना, इसमें से भी हटाया ए और इसमें से भी ए हटाया, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब सॉल्व करो, अब बी माइनस ए और सी माइनस ए कैसे है क्रिश? एल आई है। बी माइनस ए और सी माइनस ए एल आई है। अब सॉल्व करो बेटा जरा,
अरे हाँ बोलो, हुआ क्या? अरे सफिशियंट टाइम दिया था, हुआ कि नहीं हुआ अभी? हेलो, क्या हो गया भाई? कोई बोलता नहीं इस बैच में, अजीब ही बैच हो गया तुम, अजीब हो यार। हेलो, हाँ सर। अरे भाई किसी को आवाज आ रही तो बोला करो यार, मतलब हाइट ऑफ इडियोसी है यार। आवाज आ रही थी क्या मेरी लगातार सभी को? मेरे सर मेरा लैग कर रहा है तो मैं तो बीच में अटक। सर स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी फिर आई। ठीक है, हाँ हुआ क्या अभी? कुछ नहीं करना है, अब बी माइनस एक हो ना, पी मान लो ना, बी माइनस एक काम करो ना, बिल्कुल बिंदास दिमाग से सॉल्व करो ना, दिमाग से बी माइनस एक को कुछ नया मान लो, बी माइनस एक को तुम एक काम करो, बी माइनस एक को तुम मान लो कुछ भी मान लो, बी माइनस एक को क्या मान लो बताओ, वैसा वी वेक्टर मान लेते हैं और सी माइनस एक को डब्ल्यू वेक्टर मान लेते हैं। अरे बात चमकती है। अब डब्ल्यू और वी कैसे हो गए? एल आई हो गए ना, अब फटाफट सॉल्व हो जाएगा क्या? तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ, बोलो भाई प्लीज बोलो यार, 3v/5 है ना? हाँ। और तुम्हारा क्यू का कितना होगा? 4w by 5। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना, ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, आर निकालो, चमका गया? हाँ सर। एक बार सॉल्व करो, एंटर क्रिस माफ ना, एंटर सॉल्व करो बताओ सर, अरे आया ना ये स्मार्टनेस है सॉल्व करने का, ठीक है? तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है? एलआई खेलना, इतना क्लियर है क्या? अरे रब करे अभी सॉल्व कर लोगे ना, मुझे लगता नहीं आप तो सॉल्व करके आए अच्छे से, मतलब नहीं पता चलता मुझे कैसे पढ़ा हूं, मतलब समझ में नहीं आता मैं कई बार। चलो नेक्स्ट बोलो। अच्छा क्वेश्चन था ट्वेल्थ वाला, ध्यान रखना। हाँ नेक्स्ट बोलो। थर्टीन फोर्टीन क्रिस बाफ नहीं बता दे यार, बाकी तो पता नहीं क्या समझ में नहीं आता मुझे, सबका तो हो नहीं सकता है। हो गया है? बन गया सर, इसलिए नहीं बोल। 14 तक हो गया? हाँ सर। ठीक है, कल 15 से 30 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये वेक्टर्स खत्म हो गया चैप्टर? नहीं भाई नहीं। ठीक है सर, कब आएगा? हाँ सर, कितना बाकी है वेक्टर्स में? यार अभी डॉट और क्रॉस बचा हुआ है, ठीक है? तो मोस्टली मतलब कल डॉट और क्रॉस खत्म कर दूंगा मैं, और उसके बाद ना फिर 3D के भी साथ साथ करा दूंगा, मतलब दो तीन तीन चार क्लास और लगेगी मुझे। और कितने चैप्टर बाकी रहते हैं? और कितने चैप्टर बाकी रहते हैं? ये तो लास्ट चैप्टर है ना, इसके बाद तो फिर आपका जो 11th का बचा हुआ पोर्शन है वो सब करना पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वो सब 11th में जो बचा हुआ है आपका। 12th का लास्ट चैप्टर है ना ये तो। प्रोबेबिलिटी भी बाकी है ना? है प्रोबेबिलिटी
प्रॉपर्टी लेवल में लिख रह गई थी, तो पीएनसी बाकी है सर, पीएनसी भी बाकी है। एक काम करूंगा, वेक्टर थ्री में करा के ना मैं आयुष सर को बोलूंगा वो ले ले, ठीक है? मैं बहुत स्लो कराता हूँ, ठीक है? और वो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा फास्ट करा देंगे चीजें हो जाएंगे। मैं वापस से उसका डिसीजन ले लूंगा मार्च में, आयुष सर थोड़ा फटाफट करा देंगे। पीएनसी कैसे बचा हुआ यार? वो ही तो सर, आपको बहुत टाइम पहले से बोले थे हम लोग, कैसे बचे हैं, दूसरे में हो गए। अच्छा, एक में हो गया, एक में बचा हुआ है, ठीक है ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी कहां से खड़ी हो गई अचानक से? सर सर पीजेएन बैच में हो गया शायद पीएनसी, वो एक पीसी1 बैच में नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कब से खड़ी हो, प्रोबेबिलिटी कहां से आ गई अचानक से? प्रोबेबिलिटी तो कोई भी बैच में नहीं अभी तक। हां सर, चलो कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी क्या, अपना एग्जाम तो जुलाई में है ना यार। और वैसे भी एमआईडी सर ने बताया, बताएंगे अभी आज की अप्रैल और मई का एग्जाम टारगेट करना है हमको अच्छे से। हर बार वैसे ही करते हैं हम लोग, बोर्ड के पहले बोर्ड के बाद वाला, ये फालतू में फरवरी मार्च चक्कर में नहीं फंसेंगे, ठीक है? मैं अभी स्टेट बोर्ड की कितने बजे सेशन है सरकार? 9 बजे से, कि मैंने कितने बजे बोला था, 8:15 बोला था ना मैंने तो, है ना? थोड़ा प्लान ही हो गया ना यार। आप लोग का होमवर्क खत्म हो गया है 30 तक कर रहे हो अभी तक? कहाँ तक किया होमवर्क? सर हो गया ऑलमोस्ट 25 तक, 25 तक बाकी है थोड़ा, बाकी है। ठीक है, मैं स्टेट बोर्ड की बुक से, स्टेट बोर्ड की बुक में एक्चुअली 2 ही चैप्टर में खत्म कर दिया है इस बार, बट ठीक है। मैं एक मिनट देखता हूँ, आपके ग्रुप पे बुक डाली हुई है ना? आपके ग्रुप पे नई वाली बुक है कि नहीं है? नहीं, आपके स्टेट बोर्ड की? नहीं नहीं, वापस मत भेजो, मेरे पास 3-4 बैच में, फिर जगह भर जाता है, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने किसी न किसी बैच में तो भेजा ही है, सब पुराना वाला है मेरे पास, नया वाला तो पुराना तो मेरे पास भी है, वो इसी से मैं कराता हूँ। अच्छा है सर, जो बुक हम लोग के पास है मिली है वही सेम पीडीएफ है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। मैं एक मिनट, नई वाली जो बुक आवाज नहीं आ रही है, 2 मिनट उधर नेटवर्क स्विच किया इसलिए हो रहा होगा। वेक्टर्स में नए वाले पीडीएफ से ही कर लेते, पुराने चक्कर में कहाँ पड़ेंगे। सरल बड़ा अच्छा था वैसे, बट नए वाले से करने से तुम लोग को भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना यार। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। नहीं नहीं नहीं, नए वाले में बहुत अजीब ढंग से दे रखी है चीजें। स्टेट बोर्ड की बुक से, पुरानी वाले बुक से इमेज भेजना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, फिलहाल तो अभी होमवर्क करो जो दिया है, 35 तक कल मिलते हैं, ठीक है? कल क्लास कितने बजे? 4:15 4:15 से कल क्लास सर? हाँ सर। हेलो, हाँ सर 4:15 से। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? आई मीटिंग है सर के साथ में।